परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए जिसमें हम परमेश्वर के घर में आकर के प्रभु की आराधना प्रभु की स्तुति करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु की सारी बधाइयों के लिए जो प्रभु ने पिछले हफ्ते हम सब पर की है और हमें स्वस्थ रखा तंदुरुस्त रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति प्रभु की प्रशंसा करते हैं कि आज प्रभु की विजय के दिन प्रभु हमें अपने घर में लेके आए हैं ताकि हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और पांव के लिए उजियाला, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हर समय हर हालात में हर बात में हमारी अगुवाई करता है, सिखाता है ताकि हम वो काम करें जिससे प्रभु को महिमा मिले। आज का वचन, आज का थीम यही है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचनों के मानने वाले बने। हम सब ने बहुत समय से प्रभु के वचन सुने हैं, जब से हमने वो संभाले हैं। उससे पहले हमने संडे स्कूल में कहानियों के तौर पर यूथ फेलोशिप में और हम आगे जब पढ़ते हैं, जब जब हम संगति में जाते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और बहुत बार हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं वचन के श्रोताओं की, आज बहुत अच्छा वचन था, इस प्रकार से हम कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो को बहुत अच्छा वचन कहाँ रहता है? बहुत से लोग जो है वचनों को सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वचनों को हम सुनते हैं लेकिन हम अपनी जिंदगियों में उसको लागू नहीं करते, पूरा नहीं करते। तो प्रभु का वचन यही कहता है याकूब की पत्री में कि वचन के सुनने वालों ही नहीं बल्कि वचनों के अनुसार चलने वाले बने। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील में उसका जो सातवां अध्याय 21 वचन से 27 वचनों तक हमने पढ़ा है यही कहा। और बड़ा एक जो है बहुत सख्त वचन से प्रभु ने ये जो वैसे जब बहुत सख्त वचनों के साथ शुरू होता है कि हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर कोई परमेश्वर के या स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचेगा, नहीं जा सकता। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम के में भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। और मेरे अजी जो ये बहुत ही जो सख्त शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों से कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है, हर कोई जो उससे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में नहीं जा पाए। और मेरे प्रिय हम बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है कि हम कितना भी प्रभु प्रभु क्यों ना कहें, कितना भी हम उसका नाम क्यों ना लें, जब तक उसका वचन हमारी जिंदगियों के द्वारा पूरा नहीं होता या हमारी जिंदगियों में पूरा नहीं होता, प्रभु का वचन कहता हम स्वर्गीय राज में नहीं जा सकते। बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन मानने का, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के बहुत सारे उदाहरण दिए जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहां आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 10 हुक्मों में से तीसरे हुक्म के ऊपर जोर दे रहे हैं। तीसरा हुक्म किसको याद है? प्रभु का नाम
प्रभु का नाम, और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, हर कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर से लोग आएंगे और अब्राहम की गोद में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर निकालेंगे। और मेरा जीनो कितनी बड़ी अजीब सी बात होगी, हम जो राज्य की संतान परमेश्वर के चुने वंश के लोग हैं, हम जो उसकी निज प्रजा हैं, कैसा होगा कि हम बाहर हैं और अन्य जाति लोग, विश्वास करने वाले लोग, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग उसमें चैलेंज है। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को और तरीके से भी कहा है, दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, दो मजदूर खेत में काम कर रहे होंगे, दो व्यक्ति सो रहे होंगे चारपाई पर, और उनमें से एक लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये बड़ा चैलेंज है मेरे जीजू, क्या वो छोड़ देने वाला मैं हूं, या जिसको प्रभु अपने साथ अपने राज में लेके जाएंगे उनमें से मैं हूं। जैसे हम इसी के साथ मिलता हुआ वचन पढ़ते हैं, या प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दूसरा वचन बोला था, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और वहां दो डाकू हैं, और उन दो डाकुओं में से एक ले लिया गया, एक को छोड़ दिया गया, हम कहां होंगे। और ये चैलेंज है, इसके ऊपर हमने गौर करना। हम चर्च आते हैं, संगति में जाते हैं, अलग अलग प्रकार की हमारी और संगतियां जिसमें हम शामिल होते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम कितना उसमें चाहते हैं, हम किसी के ऊपर नहीं अपने ऊपर ध्यान दें। गलतियों की पत्री का लेखक उसके चढ़े जाके चौथे वचन में कहता है कि हम अपने कामों के ऊपर ध्यान दें, अपने कामों को परखें, और इस प्रकार से हमें किसी दूसरे के ऊपर नहीं अपने ऊपर फख्र करने का कारण होगा। हम अपने ऊपर खुद गर्व करेंगे कि हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है ग्रंथियों की दूसरी पत्री के 13वें अध्याय के 5वें वचन में, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो के नहीं, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी है पत्रस में, अपने दूसरी पत्री में लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं परमेश्वर के वचन की, और उनमें लिखा यदि ये तुम में है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो तुम अंधों की तरह हो, तुम उन लोगों की तरह हो जो दूर दृष्टि अधूरा जिनको दिखता। प्रभु का वचन बहुत ही सच्चाई के साथ, और ये देखने वाली बात है। 22वें वचन आप देखिए, गौर करें उसके ऊपर, ये किसके लिए लिखा हुआ। प्रभु का वचन कहता है पहले तो 21वें वचन में, कि हर कोई जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएगा, है ना। हर कोई जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएगा, और दूसरी बात कि उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे क्या हमने तेरे नाम में चंगाई नहीं की, दुष्टात्मा को नहीं करा, विश्वासी नहीं की, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करे। तो किनको कह रहा प्रभु, जो मौजजे करते हैं, जो दुष्टात्मा को करते हैं, जो हीलर्स हैं, जो विश्वासी करते हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, तो किसके लिए है। ये सेवकों के लिए है, जो सिखाते हैं उन लोगों के लिए है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, प्रभु के जब लोग आके मुझसे कहेंगे, और प्रभु क्या कहते हैं, मैं उनको क्या कहूँगा, बहुत सख्त वचन, मैं उनसे कहूँगा मेरे सामने से हट जाओ, जैसे हम किसी को क्या बोलते हैं, गेट आउट, है ना। प्रभु यही कह रहा है, गेट अवे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और ये देखिए कि प्रभु ये कहते हैं मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना का मतलब क्या है। प्रभु के वचन में आप पढ़ते हैं, अभी हम जब अपना
आराधना आरंभ करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो क्या कहते हैं, तुझे सबके हृदय की विचारों को जानता है प्रभु, अंदर की बातों को प्रभु, हमारे अंतरात्मा की बात को जानता है, उसे कोई भेद छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानता है, हर एक को जानता है, हर एक के बारे में प्रभु जानता है, बताता है। तो फिर प्रभु ने कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि मेरा और तुम्हारा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जो शब्द मरियम ने कहा था, जब स्वर्गदूत प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर उसे संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मरियम का क्या जवाब था, ये कैसे हो सकता, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कभी किसी को देखा नहीं था, है ना, मतलब मेरा किसी पुरुष के साथ इस तरीके का इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है कि मैं गर्भवती हो सकूं। प्रभु यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हारा और मेरा कोई नजदीकी संबंध नहीं है, तुम ऐसे लोग अनजानों की तरह हो, क्योंकि तुम कुकर्म करने वाले लोग हो, तुम वो लोग हो जो मेरी बातों को जो है सुनते हो, है ना, जैसे शायर ने कहा, होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु दिल से मुझसे बहुत दूर है। और प्रभु यीशु मसीह उन सेवकों को कहते हैं, उन हीलर्स को कहते हैं, उन जो प्रॉफिट्स को कहते हैं, उन आश्चर्य कर्म करने वालों को कहते हैं, मेरे सामने से हट जाओ। ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, मौजजे किए, है ना। बहुत बार हम अपने इन कामों के ऊपर फख्र करते हैं, हम बहुत काम करने वाले लोग हैं, हम बहुत सेवा करने वाले लोग हैं, हमने बहुत सारे लोगों तक वचन सुनाया, लेकिन मेरे ये तो कैसे होगा कि हमने सुनाया है लेकिन हम खुद ही प्रभु हमसे कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, या मैं तुम्हें नहीं जानता। और उस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और खुद ही निकम्मा ठहरूं। तो जहां हम दूसरों के लिए कहते हैं, वहां हमारे लिए चैलेंज है, हमें सावधान रहने की भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को कितना अपने दिल में रखा। और दूसरी चीज, यहां प्रभु का वचन, पहली कि हमें प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। यहां प्रभु कहते हैं लोग आएंगे, कहेंगे हमने ये सारे काम किए, गिन गिन के बताएंगे, जैसे प्रभु को पता ही नहीं है, है ना, प्रभु के जैसे पता नहीं है। ये भी आप इफिसस की कलीसिया के दूत के साथ प्रभु की बातचीत को देखेंगे, जो प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में पढ़ती है, सात कलीसियों की बात है ना, वहां इफिसस की कलीसिया को कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे हालात को जानता, सब कुछ जानता हूं। तो प्रभु जो कामों को जानता है, तो क्या इन लोगों को तो ये कहेंगे, क्या हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, क्या हमने बीमारों को नहीं चंगा किया, क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने जो है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए, क्या प्रभु उनके कामों को नहीं जानता। प्रभु सबके कामों को जानता है, लेकिन किस तरीके से जो हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी सोच है, जो हमारी नियत है, किस नियत से हम करते हैं, किसके लिए करते हैं। बहुत बार हम गिन गिन के कामों को बताते हैं। लूका की इंजील में 18वें अध्याय में हम दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के घर में जाते हैं और दोनों दुआ करते हैं, और एक गिन गिन के बताता है, तू जानता है मैं व्यवस्था को पढ़ता हूँ, तू जानता है मैं दशमांश देता हूँ, तू जानता है मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ, तू जानता है, प्रभु को बता रहा है, कैसे प्रभु को पता नहीं है। और दूसरा जो प्रार्थना करने वाला है, उसने ना वो दूर से अपनी छाती पीटते हुए प्रभु से कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर
हत्या का। तो प्रभु जो है ऐसे लोगों को ढूंढता है जो प्रभु के वचनों के अनुसार, जो प्रभु का वचन, प्रभु का नाम व्यर्थ ना ले। और दूसरी जो बात है, जो आज का थीम है, कि हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां 24 वचन से है, कि जो मेरी ये बातें सुन के उनके अनुसार चलता वो बुद्धिमान है, और उस बुद्धिमान की तरह है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और हर प्रकार के अपोजिशन उसकी हुई, हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियां रही, आंधी तूफान उठे, बारिशें आई, टक्करें लगी, बड़े बड़े आक्रमण हुए, लेकिन वो घर फिर भी स्थिर रहा, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर अर्थात प्रभु के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर, प्रभु के ऊपर उसकी नींव थी, और उसका कोई भी नुकसान नहीं। जो वचनों को नहीं मानता तो उसके लिए लिखा वो बेसमझ की तरह, मूर्खों की तरह है, जो वचन को सुनते तो है लेकिन वो उसको मानते नहीं। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने चार प्रकार की भूमि के बारे में बताया, वचन बीज हर जगह जाता है लेकिन हर जगह फल नहीं लाता। अभी देखा जाए तो उस दृष्टांत के अनुसार चार में से एक ही पर्सन है, यानी चौथा हिस्सा जहाँ वचन जाता है और उपज होती है। प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं, यदि आप आज जो है याकूब की पत्री पढ़ेंगे, याकूब की पत्री में यही वचन कहा गया, और उसमें एक और बड़ी बात कही है कि जैसे दे आत्मा दे जो है जैसे आत्मा के बिना बिना दे मुर्दा है, वैसे ही विश्वास जो है कर्म के बिना मुर्दा है। और जब तक हमारा जो वचन है या विश्वास है, जब फेथ इन एक्शन, जो प्रभु में हमने सीखा, जब हम एक्शन में नहीं लेते तो सारा का सारा व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है, पढ़ता है और भूल जाता है, वो किसी भी प्रकार का उसको लाभ नहीं, किसी प्रकार की उसको आशीष नहीं। तो दाऊद ने जो है बड़े अच्छे तरीके से कहा, परमेश्वर के वचन के जो आशीष मिलती है उसके बारे में दाऊद कहता है, भजन संहिता 119 और उसके 9 वचन में। सबसे पहले जवानों के लिए कहा गया कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा, और आगे जवाब दिया गया है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो मेरे प्रियो, जवान व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए, सेवकों के लिए परमेश्वर का वचन, हर एक को परमेश्वर का वचन अलर्ट करता है कि हमें इन वचनों में बने रहने की जरूरत है। इन वचनों में यदि हम बने रहे हैं तभी हमें आशीष मिलेगी। हम कितना भी सुने, कितना भी जो है आप पढ़ें, कितनी भी हमारे पास नॉलेज क्यों ना हो, यदि हम इसको जो है एक्शन में नहीं लेते, यदि क्रियान्वित नहीं करते, यदि इसके ऊपर हमारा अमल नहीं है, तो सारा का सारा व्यर्थ है। जैसे प्रेम के बारे में ग्रंथियों की पत्री में पौलुस कहता है, ऐसे ही परमेश्वर के वचनों के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे दिल में है बहुत कुछ, हम जानते हैं, लेकिन यदि जो है इसका हम इसको लागू नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं चलते, तो सारा का सारा व्यर्थ है। एक बार एक पासवान थे और उनको बहुत नॉलेज थी, बड़ा अच्छा फायरी सरमन देते थे, दुनिया रो पड़ती थी, हिल जाती थी सारी की सारी कॉन्ग्रीगेशन। जब इधर से वचन देते थे और उनका बेटा वो गेट पर खड़ा हो जाता था, इधर से पापा पुलपुट पर खड़े होते थे, वचन शुरू करते थे और बेटा उधर से बोलता था, पापा 1 फीट डाउन। क्या कहता था? पापा 1 फीट डाउन, पापा 1 फुट नीचे। और आज बोला अगले संडे फिर इधर से पापा वचन सुनाने के लिए शुरू हुए हैं,
बेटा उधर फिर गेट पर खड़ा हो गया है, क्या कहता है, पापा 1 फीट डन। ये सिलसिला शुरू हो गया। और यार लोगों ने बात नोट की कि बाप और बेटा इनका कोई कोड वर्ड है, ये आपस में बात करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं आपस में। और ये चलते चलते पास्टर कमेटी के नोटिस में डालेगी बात, ये बाप बेटा क्या बात करते हैं। और उस बेटे से पूछा, बेटा आप जो हर संडे जब तेरे पापा उधर से सरमन देना शुरू करते हैं तो क्या बात है, कौन सी बात है जो आप अपने पापा को कहते हैं। पापा 1 फीट डाउन, तो कहते हैं मेरे पापा बहुत नॉलेज है उनको, बहुत बुक पढ़ते हैं, ज्ञान है उनको और वो उनके दिमाग तक है लेकिन दिल में नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ तो 1 फीट डाउन ये इसको यहाँ से लेके, दिमाग से मत सोचे, दिल से सोचे, दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जो है वचन की सेवकाई करें। बहुत बार ऐसे होता है हमें नॉलेज बहुत होती है, बाइबल हमने रटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत जो बहुत अच्छी तरह से पता होता है लेकिन जब लागू करना होता है, जब इसके अनुसार चलना होता है तो हम बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही कम जो है हम इसको मानते हैं। ये तो मेरा ये विश्वास है, मानना है मेरा कि हमने कितने सालों से पवित्र वचन पढ़ा, हमारे चर्च भरे होते हैं, हर संडे संडे के अलावा हम वचनों को सुनते हैं और हमारी कलीसियाओं में बहुत कम बेदारी, हमारे परिवारों में बहुत कम आशीष है, हम दूसरों के बीच में गवाही देने में बहुत कम है। वजह क्या है कि हम खुद अपनी जिंदगियों में इसको पूरा नहीं करते, हमारी जिंदगियों में नहीं खाली, ठंड ना तो पीतल की तरह, वचन बहुत है हमारे पास लेकिन उसको लागू करने में हम बहुत कम है। तो प्रभु कहता है जवानों के लिए, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुधर तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और आगे अपने बारे में कहता है, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा, हृदय में रखा, यहाँ उपासना की तरह दिमाग में नहीं है, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में है तो परमेश्वर हमें बुरा काम करने से, हर वो काम करने से जो है परमेश्वर का वचन हमें रोकता, हमारी अगुवाई करता है कि हम वो जो गलत काम है जो प्रभु की मर्जी के अनुसार है उसको ना करें। वचन, तेरा वचन मैंने अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अलर्ट हैं, सावधान हैं, चलते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, हम पाप करने से बचते हैं। और जब हम पाप करने से बचते हैं तो पाप की सजा से भी बचते हैं। और पाप की सजा क्या है, बोलिए, पाप की सजा क्या है, मृत्यु। तो हम मौत से बच जाते हैं। तो कितनी बड़ी आशीष है, प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं, प्रभु जीवन के परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है, उसका वचन हमें जिंदा रखना चाहता है। करना क्या है कि हम इन वचनों में बने रहें, इन वचनों के अनुसार चलना है तब हमें आशीष मिलेगी। बहुत बार जो है हम इस बाइबल को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए नहीं कि ये हमारे दिलों में है, हम इसको इसलिए महत्व देते हैं कि ये बाइबल है और हम कभी इसको बड़ी अच्छी सी जगह रखी होती है, सुंदर सी ऑल्टर, अच्छे से रुमाल के बीच में, दो कैंडल के बीच में और जो धूप अगरबत्ती कुछ ना कुछ लेके इसको रखा होता है, इसके सामने हम कैंडल जलाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसको अपने सिरहाने या पैदाने अपने साइडों में रखते हैं, बीमार होते हैं तो जो है हम जो है जो बीमार के जो है सिरहाने पर रख देते हैं। तो ये बाइबल तब तक काम नहीं करती जब तक हमारी जिंदगी में, नहीं तो इन इस प्रिंटिंग में और दूसरी प्रिंटिंग में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क कब होता है, जब ये हमारी जिंदगी में, जब ये हमारे हृदय में है और जब हम इनका क्लेम करते हैं, इनको अपनी जिंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं, तब ये परमेश्वर का जीवित वचन होता है और तब ये हमारी जिंदगियों में और हमारी जिंदगी के द्वारा
कार्य करता। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा, अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। और जब हम पाप नहीं करते तो हम पाप के हर उस शराब से, हर उसकी सजा से, मृत्यु से बचते हैं। बहुत सारे बाइबल के बीच में उदाहरण हैं, जब हम देखते हैं उनके ऊपर, बात करते हैं, सोचते हैं, तो सिर्फ एक ही बात होती है, वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार। उत्पत्ति की किताब में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी उम्र 365 साल की थी। उस हलीम, उससे पहले हम जो है कुछ लोगों की, उसके बाद में हम कुछ लोगों की उम्र को देखते हैं 800-900 साल, लंबी लंबी उम्रें हैं। और उनके कंपैरिजन में इस व्यक्ति की जो है उम्र बहुत कम थी। कितनी थी? 300। नाम क्या है? अनोश। और उसके बारे में बहुत, वो छोटी उम्र है, बहुत कुछ नहीं पढ़ते कि उसके बेटे के बारे में, जब वो हुआ कि 365 साल का हुआ और उसके बाद वो क्या हुआ, उसको मौत नहीं आई उसके ऊपर। कितनी बड़ी बात है कि वो 365 साल का हुआ तो वो स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु के साथ चलता था, प्रभु के साथ साथ जीवन व्यतीत करता था, प्रभु के वचन के अनुसार चलता था। जैसे आदम और हवा के साथ यहोवा परमेश्वर बातें करता था, हो सकता है इनोश के साथ ही बातें करता हो। बातें करते करते आगे चल गए हो, स्वर्ग का द्वार हो गया, तो परमेश्वर ने ये कहा अनोश अब वापस के जाना, चलो आ जाओ वही स्वर्ग में, हम इकट्ठे वही रहते। अनोश के ऊपर मृत्यु नहीं आई क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलता था, प्रभु के वचनों के अनुसार चलता था और वो स्वर्ग में उठा लिया। दूसरा राजा, उसके तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, या तो दूसरा राजा है या दूसरा शमूएल है, या लिखा दाऊद और सौल के घराने में भयंकर युद्ध हो रहा था। दाऊद और सौल के घराने में भयंकर युद्ध हो रहा था। दूसरा शमूएल तीसरा अध्याय 1 वचन, और दाऊद का घराना जीतता गया और सौल का घराना हार रहा। कारण क्या था? सौल जो है इसराइल का सबसे पहला राजा और दूसरा उसके बाद दाऊद उसके बाद दूसरा राजा, और दोनों के घरानों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों की सेनाओं के बीच में, दोनों के कैंप के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। और बच्चे ने कहा दाऊद जीत रहा और सौल हार रहा, क्योंकि सौल जो है प्रभु ने इतना बड़ा उसको एडवांटेज दिया, इसराइल का पहला राजा होने का उसके ऊपर अनुग्रह किया, लेकिन वो साफ दिन से प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चला। परमेश्वर ने सौल राजा से कहा अमालेकियों का नाश करना, कितना सर्वनाश करना है, सत्यनाश करना, और अपने लोगों को लेकर के अमालेकियों के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, अमालेकियों की सेना को मार देता है, पूरी विजय पा लेता है। लेकिन जब उसने अच्छी मोटी तगड़ी जो है जानवरों को देखा, भेड़ बकरियों को देखा, उसके लिए उनको रख ली। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर का वचन क्या था, हुक्म क्या था? सर्वनाश करना, सब कुछ नाश करना है। लेकिन वो लालच में आ गया, लालच में आकर के उसने जो है अच्छे अच्छे जानवरों को अपने लिए रख लिया। और जब सौल आते हैं, जब शमूएल आते हैं, शमूएल नबी उससे बातचीत करते हैं और शमूएल नबी उससे पूछते हैं क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार तूने सब कुछ किया है, सारा सारा उनको नाश कर दिया? वो कहते हैं हाँ, जैसे मुझे परमेश्वर का हुक्म था वैसे मैंने कर दिया। तो शमूएल क्या कहते हैं, ये बकरियों का ममियाना और भेड़ बकरियों की आवाजें ये कहाँ से आ रही है? तो शमूएल आगे सौल शमूएल को बोलते हैं ये मैंने तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए। शमूएल कहता है परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि वो अपनी आज्ञा के मानने से प्रसन्न होता।
क्योंकि आज्ञा का मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। याकूब ने भी इसी बात के ऊपर दिया है कि हमें आज्ञा का मानना है। दाऊद भी इस चीज को कहता है, मैं तेरे वचन को मानता हूं, अपने दिल में रखा हुआ। और प्रभु भी यही कहते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, जो रात दिन इस प्रकार से जो है मेरे सामने बोलते रहते हैं, उनमें से हर कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। यर्मिया की किताब पढ़ी आपने, वो सीधा सीधा कहता है अपने कामों को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, अपनी चाल चलन को सुधारो। अर्थात जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे हम बने, परमेश्वर के वचनों को हम अपनी जिंदगी में लागू करें, तभी मेरे अजीजों हमें आशीष मिलेगी। नहीं तो हम भी टंटनाते पीतल और झांझनाते हुए झांझ की तरह। आइए तो हमारे दयालु प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। आज सुबह तेरे दिन में, तेरे भवन में आकर के तेरी आराधना करने के योग बन सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे वचन जीवित हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जो तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको अपने उत्तम आशीष से परिपूर्ण रखते हैं, आपने जिंदा रखते, जीवित रखते। आपका धन्यवाद देते हुए आपके कदमों में आते हैं। हमारे इन जवान बच्चों पर, प्रिय भाई बहनों पर, हम सब पर आपकी बरकत, आपकी आशीष हो। आप हम सबको तौफीक दे कि हम तेरे वचन को अपने दिल में रखें, तेरे वचन में बने रहें, अपनी जिंदगी से तेरे वचन को पूरा करें, ताकि तेरी हर बरकत हम सबको मिल सके। प्रार्थना कर सकें कभी के नाम से।